हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्पॉन्सरशिप के ऊपर में और दूसरे नंबर पर इंटरव्यू के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि स्पॉन्सरशिप किस तरीके से लिया जाए और इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक किया जाए। आजकल के मार्केट कंडीशन के हिसाब से बहुत सारे बंदे लोग जो है स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू में अगर वो बच भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जाकर साइकोमेट्रिक टेस्ट में रिजेक्ट हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट लोग के सामने में कि स्पॉन्सरशिप किस तरीके से लिया जाए और इंटरव्यू किस तरीके से फेस किया जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उस हर कंपनी की अलग अलग अपनी अपनी पॉलिसी है, अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग उसकी टर्म एंड कंडीशन है। तो बंदा किस तरीके से अच्छे से अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले सकता है और किस तरीके से आसानी से उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप की किस तरीके से फॉर्म फिल की जाती है। किसी भी कंपनी का अगर फॉर्म भरते हो तो आपको चार पांच चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सब है, पहला ये है कि आप अपना जब कभी भी आप फॉर्म भरते हो तो अपना वहां पर जो हॉबी भरना, वो कम से कम अपना वहां पर आपको हॉबी भरना। और दूसरे नंबर पर आप जो भी यहाँ पे हॉबी भर रहे हो उस हॉबी के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो लोग सपोज कर लो, वो लोग हॉबी में भर देते हैं कि मेरा हॉबी है क्रिकेट, मेरा हॉबी है बैडमिंटन। उस लोग को नॉलेज नहीं होता उस हॉबी के बारे में, अपने हॉबी के बारे में नॉलेज नहीं होता है। जस्ट लाइक बंदे लोग को आप कहना था कितने बंदे फॉर्म में फिलअप करने के टाइम उन्होंने कुछ भी भर दिया, जस्ट लाइक क्रिकेट भर दिया, किसी ने कबड्डी भर दिया, किसी ने जूडो भर दिया, या कुछ भी बंदे लोग हॉबी में भर देते हैं। फिर उसके बाद जो उसका इंटरव्यू होता है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में आपका पूरा फॉर्म जो होता है उसके पास होता है, और वो लोग जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपसे फॉर्म से रिलेटेड जो आपने फिल किया होता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है वो लोग पूछते हैं। वो लोग जो फ्लीट मैनेजमेंट की या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उस लोग का जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है तो वो आपसे ज्यादातर 12th या फिर ये सब एजुकेशनल लाइन से हट के क्वेश्चन पूछता है। मींस क्या कि वो आपसे जो स्टडी जो आप लोग करके आए हो, यानी कि 11th पर 12th पर जो या फिर 8th 9th जो आपने बेसिक्स सब पढ़ा है, उस सबसे बहुत ही क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हॉबी के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। वो आपसे कहते रहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। बंदे लोग गलती क्या करते हैं कि सपोज करो आपने फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपने भरा है हॉबी में पसंद है क्रिकेट भरा है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप बॉल का वेट कितना है, एक पिच की लेंथ कितनी है, या फिर आपको ये पता नहीं होता कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, या फिर आपको ये नहीं पता होता कि जो फील्डिंग के पोजीशंस होती हैं क्रिकेट टीम में वो कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपसे पूछेंगे अपडेट कि अभी इंडिया कौन से कंट्री से जीत के आया मैच, तो ये सब क्वेश्चन। और दूसरे नंबर पर ऐसा कि आप सपोज किसी स्टूडेंट हॉबी में भरते हैं कि उसको बुक स्टडी करने होते हैं या फिर उसको रीडिंग पढ़ने में उसका हॉबी है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस बुक से आपकी रीडिंग करते हो, किस बुक को आपको पसंद करते हो, कौन सा बुक आप पसंद करते हो। तो सपोज कोई आपने भरा है कि कोई बुक, कोई भी आपने बुक पढ़ दिया, तो वो आपसे पूछेंगे बुक का ऑथर का नाम क्या है, बुक के बारे में आपसे पूछेंगे, बुक का राइटर कौन सा है, उसके डीपली नॉलेज वो आप जानेंगे बुक के अंदर क्या है। उसके बाद से सपोज कर लो किसी बंदे ने भरा है कि मेरा हॉबी जस्ट लाइक के कि आप साइकिलिंग करना हुआ या फिर कबड्डी हो गया, तो आपसे पूछेंगे कि इंडियन टीम का कैप्टन कौन है कबड्डी का, ठीक है, इंडिया भी जो लास्ट कहाँ वो किस कंट्री में मैच जीत किया ये कबड्डी इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बेसिक से पूछते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, यही सब छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं जो आपको आप एग्जैक्ट फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे बंदे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर बंदे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जस्ट लाइक आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपका इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू देने आते हो तो इंटरव्यू आपसे कुछ नहीं पूछते हैं कि आप सबसे पहले आप एंट्री करते हो रूम में, तो आपसे पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, तो आप अपना नाम बताते हो, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप लोग फिर अपना नाम बताते हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने पहली बार अपना नाम बता चुके हो, फिर दोबारा भी जब आपको बोला जाता है कि अपना इंट्रोड्यूस करो तो फिर आप नाम बताते हो, तो ये अपनी लोग मिस्टेक कर देते हैं। अब वो आपसे अगर नाम नहीं पूछता है फर्स्ट टाइम में, तो आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के सामने बता सकते हो कि मेरा नाम ये है, लेकिन वो आपसे फर्स्ट टाइम नाम पूछ चुका है तो फिर आप उसको नाम बता के क्यों परेशान कर रहे हो। दूसरे नंबर पे अगर आपके फादर का नाम उन्होंने पूछा तो आप फादर के नाम के आगे मिस्टर लगाइए और मदर के नाम के आगे मिसेज लगाइए। ज्यादातर बंदे लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके फादर का नाम क्या है तो वो लोग अगर अपना नाम बताते हैं, वो लोग आगे मिस्टर या फिर मिसेज अपने नाम के आगे नहीं लगाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू में अच्छा करने का। तीसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो एक जो फ्लीट मैनेजमेंट का जो एक ऑफिसर थे वो जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे थे, तो वो क्या थे, वो पंडित जी थे, ठीक है। तो उनका रिलीजियस बेसिस पर क्वेश्चन होते थे, जस्ट लाइक कि अगर आप हिंदू रिलीजियस से हो तो आपसे वो पूछते हैं कि महाभारत कब हुआ था, या फिर राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, थोड़े बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो कि हर बंदे लोग को पता होता है, वो बेसिक से कुछ पूछते हैं। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ देते जो बंदे लोग को नहीं पता होता, जो लोग रिलीजियस से उतना नहीं जुड़े होते, उसके बाद उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है,
तो जो बेसिक सब पॉइंट होता है वो सब पढ़ लेना, या फिर जो बंदे मुस्लिम है मुस्लिम रिलीजन से वो लोग बिलोंग करते हैं उन लोग से फिर पूछेंगे वो लोग कि आपने हज़रत सल्लम के बारे में स्टोरी बताई या फिर कुछ उसके बारे में जो उसके मैसेज क्या था। ठीक है, तो आप जिस भी रिलीजियस से बिलोंग करते हो उस रिलीजियस के बारे में थोड़े बहुत नॉलेज रखना जरूरी है। और बंदे लोग का कहना था कि लास्ट में इंटरव्यू पे लास्ट में वो लोग 5 से 7 क्वेश्चन रिलीजियस से पूछ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अच्छा कर देते हो तो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा बन जाता है आपका इंटरव्यू क्रैक करने का, स्पॉन्सरशिप लेने का। ये सब कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। इंटरव्यू जो बेसिकली मस्ट होता है हर बंदे लोग के लिए, और इंटरव्यू अभी फिलहाल क्योंकि आप लोग के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता इंटरव्यू देने का। ठीक है, आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत सारे बंदे लोग का हाथ पसीजता रहता है इंटरव्यू देने के टाइम, या फिर वो लोग को अंदर से एक सिकनेस रहती है, अंदर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है कि भाई इंटरव्यू में क्या होगा नहीं होगा। तो इंटरव्यू में आप नॉर्मली या नॉर्मली उसको रिप्लाई दो। ठीक है, डरने का नहीं है। मतलब गलती क्या करते हैं, सपोज कर लो कि अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो वो लोग अजीब टाइप का उसका जो होता है ना वो फेस रिएक्शन होता है, अजीब टाइप का बंदे का फेस रिएक्शन होता है, मतलब एक कह सकते हो कि एक सैडनेस वाला वो लोग फेस बना लेते हैं स्टूडेंट जो होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, ये नहीं करना है वहाँ पे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो चेहरे पे एक स्माइल रखो बड़ी सी, ठीक है, और सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ, तो ये वो सामने वाला बंदा समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो वहाँ पे आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना है, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस पूरा 100% कॉन्फिडेंस लेके जाना है इंटरव्यू देने के लिए। और बहुत सारे बंदे लोग इंटरव्यू देने के उसको क्वेश्चन आता रहता है लेकिन वो लोग वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाते किसी वजह से। तो आपको जो भी समझ में आ रहा है और जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब कि आपसे पूछा गया टेल मी अबाउट समथिंग, तो कुछ मतलब अगर वो आपसे पूछा गया सपोज कर लो कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो बस अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप लोग को बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। ठीक है, जितना वो आपसे क्वेश्चन पूछे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे, पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर देने का। ठीक है, और बी पॉजिटिव रख के आंसर देने का। ठीक है, कभी भी ये नहीं कि निगेटिव थॉट मत वहाँ पे थिंकिंग सोचने लगना, निगेटिव था वहाँ बी पॉजिटिव आपको आंसर देना। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि कंट्रीज का टाइमिंग क्या हो, मान लो सपोज कर लो अभी इंडिया में इतना टाइम हो रहा है तो यूएस में कितना टाइम होता होगा अभी इस टाइम में, या फिर यूएस में इतना टाइम हो रहा है तो अभी इंडिया में कितना होगा, दुबई में कितना होगा, तो ये सब कुछ क्वेश्चन हो गए। या फिर वो आपसे पूछेंगे सी रूट्स के बारे में, कौन कौन से सी रूट्स हैं। ठीक है, या फिर करेंसी के बारे में थोड़ी बहुत पूछ लेंगे बोलो। तो बेसिक सा अगर आप इंटरव्यू में अच्छा मार्क स्कोर करना चाहते हो तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आप स्पॉन्सरशिप आराम से क्रैक कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप लेने का फंडा यही है कि अपने चेहरे पे स्माइल रखो, स्पॉन्सरशिप एग्जाम जाके दो। एंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम में बेसिकली मैं बता दूं कि स्पॉन्सरशिप एग्जाम बहुत ही ईजी होता है, बंदे लोग झूठ का इसको टफ लिए हुए हैं कि बहुत ही हार्ड है ये, वो कुछ हार्ड नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको IIT से, JEE से या फिर NEET से तो बहुत ही ईजी है उसके लेवल में, उसके लेवल में नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, उसके हाफ लेवल में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं लेकिन बंदे लोग जो नहीं पढ़ते हैं वो लोग उसको IIT JEE मेंस के लेवल को दिखा लेते हैं। ठीक है, अदर फील्ड ये सोच लो आप लोग को, अदर फील्ड से बहुत ही इजी फील्ड है मर्चेंट डेविंग फील्ड, अगर कंपटीशन की मैं बात करूँ। ठीक है, या फिर मैं CET की बात करूँ, कंपनीज की स्पॉन्सरशिप की फॉर्म की बात करूँ, या फिर मैं IIM CET की बात करूँ, तो बहुत ही ईजी है किसी अदर फील्ड के मुकाबले में, किसी अदर करियर अपॉर्चुनिटी के मुकाबले में। तो आप लोग इसको ठीक से, अगर कोई बंदा एवरेज स्टूडेंट है अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाता है तो 110% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो निकाल लेगा स्पॉन्सरशिप, वो IIM CET निकाल लेगा। और फिलहाल मेरे बंदे लोग मेरे स्टूडेंटों ने निकाला है। ठीक है, तो अगर आप सही से फोकस करके एक अगर सही बात से सही डायरेक्शन से अगर आप स्टार्टिंग करते हो मर्चेंट फील्ड में तो आपका अच्छा फ्यूचर होगा। अदरवाइज अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में, किसी कॉलेज के चक्कर में पढ़ जाते हो, या फिर कोई आपको बोलता है कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो फिर आपका स्टार्टिंग से फ्यूचर खराब हो जाता है। तो सबसे पहले ये लोग आप फोकस करो, सबसे पहले मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट से इंटरव्यू, जो बेसिकली इंटरव्यू आप लोग का कहीं नहीं होता है। तो वो मैंने सोचा है कि अपने यूट्यूब चैनल पे मैं इंटरव्यू का मैं आपको जल्द से जल्द मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाऊंगा कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, उसको पता नहीं होता कि इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना है, किस तरीके से इंटरव्यू में बैठना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या क्या होती है, या फिर आपकी जो थिंकिंग स्टाइल है, आपकी टॉकिंग स्टाइल है, वो सब क्या होती है, आपका हेयर स्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो वो सब एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करता है मर्चेंट में फील्ड के अंदर में, मर्चेंट में कैरियर के अंदर में, कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो स्पॉन्सरशिप के मामले में, या फिर किसी कंपनी का, किसी कॉलेज का इंटरव्यू देने जाते हो, या फिर किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप फॉर्म देने जाते हो। क्योंकि अगर आप लोग 12th में अपेयर जो बंदे लोग हो उसको अभी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की स्पॉन्सरशिप एग्जाम देनी, जो बंदे लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो तो उस लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की स्पॉन्सरशिप एग्जाम देनी है, तो हर कंपनी का स्पॉन्सरशिप का एग्जाम जो होता है वो एवरेज एक ही लेवल का एग्जाम होता है, या फिर जिस भी कंपनी का इंटरव्यू होता है वो सब भी एक एवरेज इंटरव्यू होता है।
तो अगर आप लोग को पता होता है कि भाई इस कॉलेज में इस कंपनी में इतना कटअप मांगता है, इतना 12th का परसेंटेज मांगता है, तो आप लोग अभी जो बंदे लोग अभी 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, बेसिकली उन बंदे लोग के लिए एक मैसेज है कि भाई दबा के पढ़ो 10th और 12th, क्योंकि अगर मर्चेंट में फील्ड में अच्छा करियर बनाना है तो अच्छे मार्क्स लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। 12th में बेसिकली PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर 75% 70% 80% लेके जाते हो तभी इसमें अच्छा करियर बना पाओगे, क्योंकि अदरवाइज फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। जितने कम मार्क्स रहेंगे उतनी कम आपके पास कंपनी की अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। जितने ज्यादा मार्क्स लाके आओगे 12th में उतना ज्यादा आपके पास कंपनीज की आपके पास ऑप्शंस होगी, आपके पास उतना ज्यादा फीचर मिलेगा इस फील्ड के अंदर में। तो जो बेसिकली मैं बंदे को लोग बताना चाहता हूँ कि भाई देखो आप लोग प्रिपरेशन करो 12th का, तो बोर्ड एग्जाम दो और अच्छे से अच्छे वहाँ के स्कोर करके आओ। कि मैंने आपको बता दिया कि स्पॉन्सर किस तरीके से होता है, फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप जो टेस्ट होता है, जो CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है फ्लीट मैनेजमेंट का, उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स से होते हैं और वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं फ्लीट मैनेजमेंट का, ठीक है। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश मैथमेटिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स से, और जो क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स से होते हैं, केमिस्ट्री से होते हैं, मैथमेटिक्स से होते हैं, थोड़े बहुत रीजनिंग क्वेश्चन सब होते हैं। तो उस भी क्वेश्चन का मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 1 मार्च से वो स्टार्ट करूंगा, अपना बैच स्टार्ट होगा 1 मार्च से, एंड आप लोग का जितना से जितना हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं फुल अपनी मैं मेहनत करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट करते रहो भाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फुल और फाइनल पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल्स वगैरह हो गई या फिर आपका इंटरव्यू, आपका मॉक टेस्ट, सारी की सारी जो चीज है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर में। उसके लिए आप दिक्कत मत लो, क्योंकि इंटरव्यू किस तरीके से होगा, जो बंदे 12th में पेयर है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जल्द से जल्द सारा का सारा स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बेसिकली 12th में अगर आप लोग अपेयर हो फिर आप लोगों को कोई सा भी मर्चेंट के कोर्स करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म किस तरीके से फिल की जाती है, एंड आपका इंटरव्यू किस प्रोसीजर से होता है, आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। मेरे बैचेस के अंदर आपका पर वीक आपका इंटरव्यू होता है, पर वीक आपका मॉक टेस्ट होता है, दिन आपका स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद से आपका आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाते हैं, कुछ किसी भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरे नंबर पर आपको फ्यूचर में आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि स्टार्टिंग से लेकर इंड तक मर्चेंट में कैरियर के अंदर में आपका फुल सपोर्ट हम लोग करेंगे, आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की आपको फॉर्म फिल करवाएंगे, एंड अच्छे से अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन हो, अच्छे से आपका ब्राइट फ्यूचर हो, ये हम लोग की एक थिंकिंग होती है। मैं सोचता हूँ कि योर ब्राइट फ्यूचर इज आवर सक्सेस, सो आप लोग के लिए मैं जितना से जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोग के लिए उतना से उतना करूंगा। आप श्री भाई को सपोर्ट करते रहो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत सारे बंदे लोग को पता नहीं होगा फ्लीट मैनेजमेंट के बारे में, तो वीडियो को शेयर जरूर करना और थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। तो भाई को सपोर्ट करना।